कैप्टन से अनुरोध करूंगा कि आपका 12th मैन अभी तक आया नहीं है। राज जो कि पारी की शुरुआत करेंगे गणपति 11 के लिए, उनका साथ देने उतरे 9 स्ट्राइक में अमन। पहले ओवर करेंगे रोहित खरात, संदीप यादव कप्तान ने भरोसा जताया है स्टार्ट करने के लिए। अंपायर महेश मकवाना सर का डिसीजन वहां से आया है। रोहित खरात जो कि पहली ओवर करेंगे, काफी अच्छा मुकाबला देखने मिलेगा आपको, दोनों ही टीमें काफी अच्छी। योगेश यादव जो कि डीप फॉरवर्ड की तरफ फील्डिंग करते हुए, पहला ओवर पावर प्ले, पहली गेंद रोहित खरात की, अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ और गेंद जाती हुई सीमा रेखा की तरफ, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर, अमूमन 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। काफी बढ़िया क्षेत्ररक्षण, 38 सर्कल के अंदर से गेंद को चेस किया और उस गेंद को बाउंड्री लाइन के पहले फील्ड की और 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए पहली गेंद और आसानी के साथ 2 रन जुड़ता हुआ। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए संदीप यादव, विकेट कीपर रवि विश्वकर्मा उर्फ बउआ, बहुत ही अच्छी गेंद और उससे भी बढ़िया कीपिंग। अगर ये गेंद रवि विश्वकर्मा की शरीर से नहीं लगती तो शायद ये गेंद 4 रन 22 के रूप में दी जाती। काफी अच्छा क्षेत्र रक्षण विकेट के पीछे रवि विश्वकर्मा का। अगली गेंद के लिए तैयार, एक अच्छी गेंद, गेंद बल्ले का अंदर में कराया और बहुत ही अच्छा चित्ररक्षण वहां पर किया शॉट लेग की खिलाड़ी ने, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी में रवि विश्वकर्मा ने गेंद को पकड़ाने और स्टंप्स को लगाने की कोशिश में रन आउट छूटता हुआ इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। बहुत ही अच्छा चित्ररक्षण 38 सर्कल के अंदर उपस्थित खिलाड़ी द्वारा। और स्विप शॉट खेलने की कोशिश, LBW की अपील, बैट का किनारा लगा है, जी हाँ अंपायर का इशारा, बैट से लगी है गेंद और 1 रन आसानी के साथ भाग के पूरा किया, इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। बहुत ही अच्छा मुकाबला देखने मिलेगा साईराज वर्सेस ग्रामपति 11 के बीच, ग्रुप ए का यह दूसरा मुकाबला। थोड़े से भटके गेंदबाज अपने फॉलो थ्रू रनअप में, फुल टॉस गेंद और बहुत ही अच्छा शॉट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला हुआ शॉट, 1 बाउंस 4 रन, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, पहला चौका इस इनिंग का ग्रामपत 11 के लिए, इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। और एज लगी है बैट का, अंदरूनी किनारा लगा था लेकिन गेंद कैरी नहीं की, इसी डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, स्कोर है 8 रन बिना किसी नुकसान के, 8 रन। साईराज की तरफ से दूसरी ओवर करेंगे आदीप यादव उर्फ मोनू, जिन्हें मोनू के नाम से जाना जाता है, काफी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेले और अपना परचम लहराया है पूरे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र में, एक बार ऐसे कह सकते हैं काफी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेलने जाते हैं महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर जाकर इन्होंने टूर्नामेंट्स खेली है। कुछ टूर्नामेंट्स में इन्हें अच्छे परिणाम भी मिले हैं, कुछ सीखने मिला है, तो उस एक्सपीरियंस के साथ एक बार फिर से वो अपने होम ग्राउंड में अपनी टीम के लिए गेंदबाजी करने के लिए तैयार बल्लेबाज।
अमन जो कि दूसरी गेंद का सामना करेंगे और ऑफ ब्रेक करने की कोशिश। गेंद काफी तेज, एक बाउंस, चार रन, माफी चाहूंगा, डायरेक्ट गेंद गई है ग्राउंड के बाहर, 6 रनों का इशारा अंपायर द्वारा। इसी से 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। काफी बढ़िया बल्लेबाजी, जितनी तेज गेंद करी थी आदीप यादव उर्फ मोनू ने उतना ही तेज बल्ला घुमाया था अमन ने, और गेंद और बल्ले का काफी बढ़िया संपर्क और रिजल्ट मिला 6 रन के रूप में। अगली गेंद के लिए तैयार यश। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, उसका फायदा उठा नहीं पाए और रोहित खराद ने गेंद को फील्ड की, 1 रन ही मिलेगा। स्ट्राइक पर आए हैं एक बार राज, बहुत ही अच्छी बाउंड्री लगाई थी पिछले ओवर में, लेग साइड की बाउंड्री थोड़ी छोटी, उसका फायदा उठाना चाहेंगे, लेकिन उंगलियां फेरने में माहिर मोनू, और थोड़ी सी खराब गेंद, फुल टॉस गेंद, लेकिन उसका फायदा मिलेगा मोनू यादव को ही। जी नहीं, नो बॉल का इशारा किया गया है, गेंद जो है कमर के ऊपर थी, तो इसका फायदा मिलेगा बल्लेबाज को। इस नो के साथ 2 रन बढ़ता हुआ और फ्री हिट का इशारा किया गया अंपायर द्वारा, तो ये पहली फ्री हिट होगी आज की। बल्लेबाज अमन, देखते हैं इस फ्री हिट का फायदा उठा पाते हैं नहीं, लेग साइड की बाउंड्री काफी छोटी। और बहुत ही अच्छा कमबैक मोनू यादव द्वारा, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, फ्री हिट को सिर्फ 1 रन में ही तब्दील कर पाए बल्लेबाज अमन। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। अभी 3 गेंदें बची हैं मोनू के ओवर की। और एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, खिलाड़ी पहुंच पाते हैं या नहीं? जी हां, एक आसान सा कैच पकड़ा है मदन ने, बाउंड्री लाइन से भाग कर आए और एक अच्छा कैच, थोड़ी सी खराब गेंद कह सकते थे अगर उसे कन्वर्ट कर पाते, लेकिन प्रॉपर गेंद बल्ले को लगी नहीं और अपना विकेट खोकर वापस जाते हुए राज उनकी जगह लेने आएंगे अक्षय। पहली गेंद पर 6 रन लगा था मोनू को, लेकिन अच्छा कमबैक किया उसके बाद, एक थोड़ी एक खराब गेंद भी बीच में की थी, नो बॉल मिला था रिस्ट के ऊपर, और उसका भी जो फ्री हिट का फायदा उठा नहीं पाए थे ग्रहपति इलेवन के बल्लेबाज। अगली गेंद के लिए तैयार नए बल्लेबाज अक्षय। बहुत ही अच्छी फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में मोनू द्वारा, जरूर अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, एक बड़ा विकेट कह सकते हैं ग्रहपत 11 के लिए। इस गेंद पर एक बड़े हिट्स की दरकार होगी उनकी टीम को, क्योंकि जो 2 ओवर 11 गेंदों में अब तक 19 रन ही बने हैं, वे चाहेंगे कि इस गेंद को वे ग्राउंड के बाहर पहुंचाने की कोशिश थी, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मोनू द्वारा, अच्छा कमबैक इसी डॉट गेंद के साथ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन 1 विकेट के नुकसान पे। मैच स्टार्ट करें प्लीज। दीपक सिंह जो कि तीसरी ओवर करेंगे साईराज 11 के लिए।
दो ओवर की समाप्ति का स्कोर हुआ है 19 रन, एक विकेट के नुकसान पे। काफी प्रचलित, काफी एक्सपीरियंस गेंदबाज दीपक अपनी टीम के लिए। रिवर्स खेलने की कोशिश और काफी तेज गति से इनकी गेंद निकलती है, इसके कारण मुझे लगता है रिवर्स खेलने में नाकामयाब रहे बल्लेबाज अक्षय। अगली गेंद पर देखेंगे क्या करना चाहेंगे। लेग साइड की बाउंड्री थोड़ी सी बड़ी कंपेयरिंग, बहुत ही अच्छी शॉर्ट पिच डिलीवरी थी और हल्की आदत से खेला अक्षय ने, एक रन आसानी के साथ। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन, एक विकेट के नुकसान पे। अमन सामना करेंगे दीपक का, हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट, एक रन आसानी के साथ पूरा किया। योगेश ने काफी बढ़िया थ्रू किया और रनआउट का चांस नकारा है लेग अंपायर ने। काफी अच्छा थ्रो भटकाना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन जैसे ही गेंद को फील्ड की योगेश ने और थ्रो किया विकेट कीपर बउआ के पास, और काफी अच्छा चित्ररक्षण वहां पर योगेश द्वारा। तीन एक रन ही मिलेंगे, अगली गेंद के लिए तैयार। जोर से खेलने की कोशिश, रोहित ने इस गेंद को फील्ड किया, एक रन से ही संतोष करना होगा। इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। अब भी दो गेंदे से अब तक इस ओवर में कोई बड़ी हिट्स नहीं लगी है, तो ग्रैंपथ 11 के बल्लेबाज चाहेंगे कि इस बची हुई दो गेंदों पर कुछ बड़ी हिट्स आए। और शॉर्ट पिच डिलीवरी और बहुत ही अच्छा शॉट, दोनों खिलाड़ियों के बीच से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए, एक बाउंस चौका। इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। जैसे कि मैंने पिछली गेंद पर कहा था कि कुछ बड़े हिट्स लगाने होंगे ग्रैंपथ 11 को, और वही करते हुए ग्रैंपथ 11 के बल्लेबाज अमन आखिरी ओवर, आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। अब तक कुल 7 रन खर्च किए हैं दीपक ने, काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। आखिरी गेंद इस ओवर की और हवा में गेंद, खिलाड़ी उसके नीचे, थोड़ी सी बैलेंस बिगड़ी और गेंद गई है सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। सचिन वरगंटी इस गेंद के नीचे से थोड़ी सी उनकी फील्डिंग में थोड़ी सी उनके पैर घूमे और उसका खामियाजा। अगर शायद वे प्रॉपर तरीके से खड़े हो पाते तो शायद इस गेंद को रोकने में कामयाब हो पाते, लेकिन इसी 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। सुमित प्रजापति जो कि गेंदबाजी करेंगे साईराज के लिए, आज इन्हें साईराज ने मौका दिया है अपनी टीम में। अच्छी लेदर क्रिकेट खिलाड़ी, काफी यंग है, लेदर क्रिकेट खेलते हैं, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। देखना होगा कि अपनी टीम के लिए क्या करते हैं सुमित, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज। पहली गेंद और बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर सचिन द्वारा, जरूर अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए दयानंद पाल, जिनके द्वारा एक अनाउंसमेंट है कि अगर सुमित इस ओवर में कोई छक्का नहीं खाते हैं तो उन्हें 501 रुपए दिए जाएंगे उनकी तरफ से। अगर उनकी अच्छी गेंदबाजी जाहिर रहती है, अगर उन्होंने एक भी 6 रन नहीं दिए इस ओवर में, तो उन्हें 501 रुपए जरूर मिलेंगे। दयानंद पाल की टीम में खेलते हैं सुमित। अगली गेंद और
लेग साइड में खेला है, रोहित उसके नीचे गेंद को फील्ड किया है, अंपायर का इशारा देखना होगा, कोई भी खिलाड़ी बोलेगा नहीं, दोनों ही अंपायर जाकर वहां पर देखेंगे, डिसीजन बताएंगे। काफी अच्छा क्षेत्ररक्षण वहां पर रोहित द्वारा, 6 रनों का इशारा अंपायर द्वारा। जैसे कि कहा था अभी पिछले ही गेंद पर अनाउंसमेंट की गई थी, अगर कोई इस ओवर में कोई छक्का नहीं खाते तो उन्हें 500 रुपये इनाम दिया जाएंगे दया पाल द्वारा। लेकिन थोड़ी सी नर्वस दिखते हुए सुमित, थोड़ी सी बाउंड्री जो है लेग साइड की छोटी, उसका फायदा मिला, अच्छी फील्डिंग। अगर थोड़ा ग्राउंड के अंदर रहते और कैच पकड़ते तो शायद एक अच्छा बड़ा विकेट मिल पाता। अगली गेंद के लिए तैयार, और एक अच्छी गेंद, रोहित उस गेंद के ऊपर आते हुए 1 रन आसानी के साथ वाक्य पूरा किया। थोड़ी सी मिसफील्ड, दूसरे की कोशिश, रन आउट का चांस, और बहुत ही अच्छी क्षेत्र रक्षण कहेंगे विकेट के पीछे अंपायर रवि विश्वकर्मा द्वारा। 2 रन बचाए हैं रोहित ने, थोड़ी सी मिसफील्ड, 1 रन जरूर एक्स्ट्रा गए हैं इस थ्रो के वजह से। 3 ओवर 3 गेंद की समाप्ति के बाद स्कोर 43 रन, एक ही विकेट गिरा है अब तक ग्रामपति 11 का। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अगली गेंद के लिए तैयार, रिवर्स खेलने की कोशिश, बहुत ही अच्छी गेंद, बैटर गेंद का कोई संपर्क नहीं, अच्छा कमबैक किया है सुमित उर्फ जड्डू ने। अब तक 4 गेंदों में 11 रन खर्च किए हैं, आखिरी 2 गेंद देखना होगा कि क्या करते हैं अगली 2 गेंदों पर। एक और अच्छी गेंद, इसी की दरकार उनकी टीम को, अगर आखिरी गेंद पर एक विकेट निकालते हैं तो गुड़िया और दयापाल की तरफ से 251 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस इनिंग की आखिरी गेंद है और अब तक 44 रन बन चुके हैं, वे चाहेंगे, बल्लेबाज चाहेंगे कि इस गेंद पर 6 रन लगाए और 50 रन का जो लक आंकड़ा है उसे छुए, एक अच्छा टोटल दे अपनी टीम के लिए, क्योंकि बड़े बल्लेबाज हैं उनके पास। और जो कि मैंने कहा था वही किया, और आखिरी गेंद पर 6 रन मारे, इस 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 50 रन, 51 रन बनाने होंगे साईराज को मैच जीतने के लिए। थोड़ी सी खराब गेंद और उसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज ने, इसी 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन बनाने होंगे साईराज 11 को ये मैच जीतने के लिए।
रखने के लिए दो खिलाड़ी संदीप यादव उनका साथ देने योगेश यादव ग्राउंड के अंदर आते हुए गेंद को चेक करते हुए योगेश यादव एक छोटा टोटल मुझे जहां तक लग रहा है क्योंकि साईराज के पास ऐसी बल्लेबाजी है कि वे चार ओवर में एक तो जो लेग साइड की बाउंड्री और ऑफ साइड की बाउंड्री थोड़ी छोटी तो उसका फायदा उठाने में वो माहिर अच्छे अच्छे बल्लेबाज है साईराज के पास। 51 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरेंगे दोनों ही बल्लेबाज संदीप यादव उनका साथ देने उतरेंगे योगेश यादव उर्फ डीएस। विराट जो कि ग्रामपत इलेवन की तरफ से गेंदबाजी करेंगे स्ट्राइक पर होंगे कप्तान संदीप यादव खुद और उनका साथ देंगे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज डीएस उर्फ योगेश यादव। दोनों ही बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी काफी एक्सपीरियंस है उनको इस ग्राउंड का क्योंकि इस टीम का ये होम ग्राउंड है तो इसका भरपूर फायदा उठाना चाहेंगे। साईराज जो कि इस ग्राउंड की एक प्रचलित टीम काफी नाम है उनका इस ग्राउंड में बाहर भी उन्हें जाना जाता है काफी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स जीते हैं साईराज ने वही मोमेंटम जारी रखना चाहेंगे वे चाहेंगे कि इस मैच को जीते और एक अच्छी शुरुआत करें अपनी टीम के लिए और इस ट्रॉफी तक पहुंचे। बहुत ही अट्रैक्टिव ट्रॉफी आप देख पाएंगे कमेंट्री बॉक्स के बाहर रखी गई है जिसे लेने के लिए सभी टीम्स के अंदर काफी उत्साह। पहली गेंद और पहली गेंद से प्रहार शुरू कर दिया है संदीप यादव ने पहली गेंद का सामना और पहली गेंद पर 6 रन बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी पहली गेंद से अपना रुख अपनाते हुए। अगली गेंद के लिए तैयार संदीप फिर से जोर से खेलने की कोशिश हवे में गेंद 30 यार्ड सर्कल के खिलाड़ी थोड़े से मिसजज किए अपने आप को पहले सेट नहीं कर पाए और इसी के साथ 2 रन जुड़ेंगे इनकी साईराज के खाते में। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन थोड़े से मिसजज किया है खिलाड़ी ने एक बड़ा विकेट छोड़ा है कहते हैं ना कैचेस विन मैचेस और इन्होंने एक बड़े बल्लेबाज का कैच छोड़ा है तो उसका नतीजा उनके गेंदबाज और उनकी पूरी टीम को भुगतना पड़ सकता है। अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद बहुत ही अच्छा कमबैक जितनी भी तारीफ की जाए विराज की उतनी कम काफी अच्छी गेंदबाजी पिछले गेंद पर उन्होंने अच्छा कमबैक कर लिया था लेकिन उनके साथी खिलाड़ी ने उनका साथ नहीं दिया अदरवाइज संदीप यादव को पवेलियन की तरफ जाना होता। फिर भी अगली गेंद के लिए तैयार संदीप एक बार फिर से आगे में गेंद वही खिलाड़ी नीचे लेकिन अपने दूसरे खिलाड़ी को हाथ दिखाया कि आप गेंद पर जाइए इस बार कोई गलती नहीं। इसी के साथ पहला बड़ा झटका लगता हुआ साईराज टीम को संदीप यादव के रूप में। आठ रन के निजी स्कोर पे वापस जाते हुए संदीप यादव कुल 3 गेंदों का सामना किया नए बल्लेबाज मदन उनकी जगह लेने आते हुए स्ट्राइक रखेंगे मदन अपने पास बहुत ही अच्छा क्षेत्ररक्षण 30 यार्ड सर्कल के अंदर अच्छा कैच पकड़ा ये कैच अगर पिछले गेंद पर पकड़ी जाती तो अब तक सिर्फ 6 ही रन होते लेकिन कोई बात नहीं देर आए दुरुस्त आए 4 गेंद पर तुषार ने 6-8 रन खर्च किए हैं और 1 विकेट चटकाया पावर प्ले किए पहली ओवर। मदन सामना करेंगे पहली गेंद विराज का और एक अच्छा शॉट बढ़िया क्षेत्ररक्षण जरूर अपनी टीम के लिए 3 रन बचाया है डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी ने। पहली गेंद का सामना करेंगे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज डीएस फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड बल्लेबाज मैदान के ऊपर तो थोड़ी सी तकलीफ होती हुई ग्रामपत इलेवन के कप्तान को हर बार जिस समय स्ट्राइक रोटेट होगी तो उन्हें फील्ड में थोड़ी तब्दीली करनी होगी। पहली गेंद का सामना करेंगे
योगेश और बहुत ही ऊंचा गेंद तो गया है नीचे, कितनी दूरी जाती है और बहुत ही अच्छा कैच, बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा है राज ने। पूरी टीम उनको बधाई देती हुई, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। उल्टी दिशा में दौड़ते हुए बहुत ही अच्छा कैच, उनके दूसरे खिलाड़ी से उनका कोलिजन भी हुआ था लेकिन उसका कोई असर नहीं। पहली गेंद पर जीरो रन बनाकर वापस जाते हुए योगेश यादव बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए। विराज दो विकेट झटके अपनी टीम के लिए, सिर्फ 9 रन दिए और 2 विकेट लिए, काफी अच्छा गेंदबाजी का मुआयना किया है विराज ने। पावर प्ले में सिर्फ 9 रन खर्च किए और 2 बड़े विकेट। अब योगेश यादव की जगह लेने आए हैं लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज रोहित चौहान और गेंदबाज विनीत तैयार होते हुए ग्रामपति इलेवन की तरफ से। साईराज वर्सेस ग्रामपति 11 के बीच ये मुकाबला, 51 रन का पीछा करने उतरी है साईराज की टीम, जिन्होंने 9 रन के कुल स्कोर पे 2 विकेट गिरा दिए हैं अपने। पहली गेंद इस ओवर की फुल टॉस गेंद, उसका फायदा नहीं मिल पाया, 1 रन ही। अगली गेंद के लिए तैयार रोहित पहली गेंद का सामना करेंगे और बाहर, तो हल्का सा संपर्क था, थोड़ी सी मिसफील्ड, 1 रन आसानी के साथ भाग के पूरा करेंगे रोहित। पहली गेंद थी, जोर से खेलने की कोशिश थी लेकिन हल्की सी गेंद बल्ले को टकराई और सिर्फ 1 रन ही जोड़ पाया अपनी टीम के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट मदन द्वारा, फाइन लेग की तरफ ये खेला हुआ शॉट 6 रन देकर जाएगा साईराज 11 की टीम को। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी मदन द्वारा, अब तक 3 गेंद खेले हैं और 8 रन बनाया है मदन ने, काफी अच्छी बल्लेबाजी, पूरी तरह से क्रीज के अंदर आए और फाइन लेग की तरफ बहुत ही करारा छक्का जमाया। अगली गेंद के लिए तैयार और एक बार कवर्स की तरफ खेला हुआ शॉट, लेकिन खिलाड़ी बहुत ही अच्छा कैच पकड़ के आते हुए, सेलिब्रेशन तो बनता, बहुत ही लाजवाब कैच, बहुत अच्छा शॉट था लेकिन थोड़ी सी संपर्क अच्छा नहीं, अदरवाइज ये क्लियर करता तो 6 रन जरूर अपनी टीम के लिए जोड़ पाते। लेकिन तीसरा विकेट गिरता हुआ मदन के रूप में वापस जाते हुए पवेलियन की तरफ नए बल्लेबाज रवि विश्वकर्मा उर्फ बउआ, लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं रवि विश्वकर्मा। ग्राउंड में आते हुए इनकी टीम को जरूरत होगी कि ये आखिरी गेंद तक मैदान में खड़े रहें, जब तक उनकी टीम इस मैच को जीत नहीं जाती।
अगर वो मैदान में खड़े रहते हैं तो अमूमन वो हर ओवर में एक दो गेंद जो है बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने में समर्थ है। उनकी शारीरिक शैली पर अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे काफी शक्ति दिखती है। अगर उनका जो बैट फ्लो अगर आप देखेंगे, अगर उसमें गेंद फंसी तो ये गेंद बाहर ही जाती है। रवि विश्वकर्मा पहली गेंद का सामना करेंगे अपनी इनिंग में, और जैसे कि मैंने कहा था पहले ही गेंद पर आते ही 6 रन के लिए दे मारा है बल्लेबाज रवि विश्वकर्मा ने। काफी बढ़िया बल्लेबाजी, कवर पॉइंट्स के ऊपर से मारा हुआ छक्का। दयानंद पाल उर्फ गोरा की तरफ से इनाम की घोषणा की गई है। रवि विश्वकर्मा अगर दो गेंदों पर लगातार दो छक्के मारते हैं तो 251 रुपए का इनाम दिया जाएगा गोरिया द्वारा। एक छक्के लगा चुके हैं, एक छक्के और लगाना है अगली गेंद पर। 251 रुपए मिलेंगे, और जी नहीं थोड़े से बचे, लेकिन अब भी उनके पास मौका है क्योंकि काफी सारे रन बचे हुए हैं। इसी दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन 3 विकेट के नुकसान पे। पहली गेंद हवा में, गेंद खिलाड़ी उसके नीचे पहुंच पाते या नहीं, जी हाँ पहुंच तो पाएंगे लेकिन थोड़ा सा खराब क्षेत्र रक्षण, उसका फायदा जरूर मिलेगा साईराज को। एक बड़ा विकेट कह सकते, एक बड़ी मछली जाल में थी लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए, इसका खामियाजा जरूर उनकी पूरी टीम को भुगतना पड़ेगा। थोड़ी सी खराब फील्डिंग देखने को मिल रही है ग्रामपत 11 के गेंदबाज द्वारा। पहली गेंद पर 3 रन खेले हैं रवि विश्वकर्मा और बउआ। एक बार फिर से स्ट्राइक पे, लगातार दो गेंदों पर 2-6 रन मारते हैं तो 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा गोरिया की तरफ से। अमित जो कि पहली गेंद पर 3 रन खर्च किए, काफी अच्छी गेंद थी, अगर उनके खिलाड़ी उस गेंद को फील्ड कर पाते तो अमूमन एक बड़ा विकेट उनको मिल पाता। ग्यारह गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता है रवि विश्वकर्मा, जो कि स्ट्राइक पे काफी दमखम है उनके पास, देखते हैं क्या करते हैं। और एक बार जोर से खेलने की कोशिश, वन बाउंस चौका, स्क्वायर की तरफ खेला हुआ शॉट, स्क्वायर लेग के ऊपर से 4 रन, एक टप्पा गेंद गिरी और 4 रन मिले। इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। अब 10 गेंदों में 21 रनों की जरूरत, फील्ड में थोड़ी तब्दीली करते हुए, जितनी तेज गेंद नहीं आई उससे तो तेज बल्ला घुमा उनका, और देखते ही देखते कुछ सेकेंड्स में गेंद
बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। 10 गेंद 21 रन, ग्रैंपथ 11 को कुछ अलग करना होगा। ये जो दोनों ही बल्लेबाज स्ट्राइक पे, अगर उनकी विकेट चटकाने में कामयाब होंगे तो ये उनकी टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण विकेट है। ये देखते हैं क्या करते हैं। फुल टॉस गेंद, फायदा नहीं उठा पाए, एक रन से ही संतोष करना होगा रवि को। स्ट्राइक पे एक बार फिर से रोहित, अच्छा कमबैक अमित द्वारा। 3 गेंदों पर अब तक 8 रन खर्च किए अमित ने। नौ गेंद 20 रन की आवश्यकता। लेग साइड की गेंद, लेग साइड की जो बाउंड्री है थोड़ी छोटी, रोहित चौहान चाहेंगे उस तरफ ही शॉट खेलें, वहीं खेलने की कोशिश, लेकिन अच्छी गेंद और अच्छा क्षेत्ररक्षण, वहां पर एक रन से ही संतोष करना होगा। रवि ने मना किया दूसरे रन के लिए और स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे, वे चाहते हैं कि कुछ बड़े हिट्स वो खुद लगाएं। रोहित ने कोशिश तो भरपूर की थी लेकिन गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं, जिसके कारण सिर्फ एक रन मिला। उस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन। बहुत ही, जी नहीं, वाइट करार दिया गया है अंपायर द्वारा। थोड़ी सी वाइट लाइन से बाहर की तरफ गेंद मूव की और उसे अंपायर ने वाइट करार दिया। बहुत ही अच्छी अंपायरिंग महेश मकवाना सर द्वारा। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन। दो गेंदे और बची है इस ओवर की। बहुत ही खूबसूरत गेंद, डिप करती हुई गेंद, हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, एक रन आसानी के साथ वाकई पूरा किया। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और आउट करार दिया गया है अंपायर द्वारा। गेंद तो छूट गई थी गेंदबाज के हाथ से, लेकिन छूटते ही स्टंप्स को टकराई और क्रीज के अंदर ना मौजूद होने के कारण रोहित चौहान को वापस जाना पड़ेगा पेवेलियन की तरफ। एक रन शॉट दिया गया है तो इस गेंद पर कोई भी रन नहीं मिलेगा। एक विकेट भी गिर गया और एक रन शॉट। साई इलेवन के कैप्टन टॉस के लिए आ जाएं प्लीज, एक ओवर का खेल और बचा है। साई इलेवन के कैप्टन मुझे सुन पा रहे हो तो टॉस के लिए आ जाएं। जो भी टीम ये मैच जीतती है उसके साथ आपको अगला मुकाबला खेलना है, तुरंत वो मुकाबला शुरू किया जाएगा। 33 रन हो गए हैं 4 विकेट के नुकसान पे। अब भी 17 रन की आवश्यकता, 18 रन की आवश्यकता। 6 गेंद 18 रन, 7 बॉल 18 रन, माफी चाहूंगा 7 गेंद 18 रन की जरूरत। आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। पिछली गेंद पर एक शॉर्ट रन दिया गया था अंपायर द्वारा और एक विकेट भी गिरा था। आखिरी गेंद इस ओवर की, बहुत ही ऊंचा शॉट और इतना ही लंबा अभी, जिसके लिए जाने जाते हैं रवि विश्वकर्मा, उसकी छाप छोड़ते हुए बहुत ही अच्छा छक्का। इसी 6 रन के साथ अब 12 रनों की दरकार 6 गेंदों पर उनकी टीम को मैच जीतने के लिए। काफी बढ़िया बल्लेबाजी। संदीप यादव ड्रिंक्स लेकर आते हुए मैदान के अंदर, वे चाहते हैं कुछ मैसेज दें अपने खिलाड़ियों को उसी ड्रिंक्स के साथ। ग्रैंपथ 11 वर्सेस साईराज के बीच ये मुकाबला, काफी रोचक मुकाबला देखने मिलेगा क्योंकि 6 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता है। नॉन स्ट्राइक एंड पे है रवि विश्वकर्मा उर्फ बउआ, स्ट्राइक पे होंगे रोहित खरात, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज जो कि अमूमन अच्छी हिट्स लगाते हैं। जब भी उनकी टीम को जरूरत पड़ी है तो उस समय उन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन दिया है और उन्हीं उनकी टीम को उनके उसी प्रदर्शन की आज जरूरत। अगर वो कुछ बड़े हिट्स नहीं लगा पाते हैं तो भी कोई गम की बात है, क्योंकि सिर्फ अगर वो स्ट्राइक रवि विश्वकर्मा के पास देते हैं तो उनके पास इतना दमखम है कि वे 3 से 4 गेंदों में वे मैच खत्म कर सकते हैं। 2 बड़ी हिट्स दूर है ये मैच से साईराज। अगर स्ट्राइक पे रवि विश्वकर्मा आते तो लेग साइड की जो बाउंड्री है उसका एडवांटेज उन्हें मिलेगा और इस समय जो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज रोहित स्ट्राइक पे हैं
लेग साइड की बाउंड्री थोड़ी सी बड़ी कंपेयर टू ऑफ साइड की बाउंड्री उनके लिए, तो वे चाहेंगे कि अगर वे बड़े हिट्स न लगा पाए तो स्ट्राइक रवि विश्वकर्मा के पास दें। अमन जो कि चौथी और निर्णायक ओवर करेंगे अपनी टीम के लिए, छह गेंद 12 रनों की आवश्यकता। साईराज वर्सेस ग्रैंपथ 11, एक अच्छा मुकाबला चलता हुआ मैदान के अंदर। चार खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर बाउंड्री लाइन पे लेग साइड में पूरी तरह से घेर के रखा हुआ है। देखते हैं क्या करते हैं अपनी टीम के लिए गेंदबाज अमन। और बहुत ही अच्छा शॉट, ये गेंद जाएगी ग्राउंड के बाहर। उसी के साथ लेके आए हैं अपनी टीम को एक तरह से मैच में पूरी तरह से इस 6 रन के साथ। अब 5 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, इनके पास काफी बड़े बड़े हिटर्स हैं, तो इन्हें एक अच्छा टोटल देना होगा। 50 रन तो इनके लिए थोड़ा सा एक आसान सा स्कोर, लेकिन फिर भी अच्छा कमबैक, अच्छी फाइट की है ग्रैंपथ 11 ने। अगर एक दो कैचेस नहीं छूटे होते तो शायद इस मैच में कुछ अलग रुख होता। अगली गेंद के लिए तैयार रोहित, एक बार फिर से वाइड डालने की कोशिश ऑफ स्टंप से। अब थोड़ी सी मिसफील्ड और उसका फार्म यहां जा भुगतना पड़ेगा ग्रैंपथ 11 को पूरी तरह से मैच छोड़ते हुए। अब सिर्फ 2 रनों की आवश्यकता, 4 गेंद 2 रन, पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पे साईराज की टीम। काफी बढ़िया प्रदर्शन रोहित द्वारा अपनी टीम को, जिसकी जरूरत थी। जैसे कि मैंने कहा था, अच्छे शॉट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं रोहित। जब भी उनकी टीम को जरूरत पड़ी है उसके हिसाब से उन्होंने अपने प्रदर्शन को दिया है और वही मोमेंटम जारी रखते हुए। अगली गेंद वे चाहेंगे इसी बॉल पर फिर और रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश और इसी गेंद पर मैच फिनिश हो जाएगा और गेंद जाती है बाउंड्री लाइन के बाहर। 3 गेंदों पर कुल 14 रन बनाए हैं। टॉस के लिए मैं आमंत्रित करूंगा संदीप यादव, साईराज के कप्तान जिन्होंने पिछला मैच जीता है, और साई 11 के कप्तान रोहित खरात जिन्होंने 3 गेंदों में 14 रन बनाए अपनी टीम को जीत की तरफ ले गए। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह मैन ऑफ मैच के लिए आए प्लीज। रोहित खरात